आसाराम पर एक और बड़ा आरोप लग सकता है। यह आरोप है सेक्स रैकेट चलाने का। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग रेप केस में फंसे आसाराम की चार्जशीट में धारा 370 लगाई जा सकती है, जो आश्रम को सेक्स रैकेट के दायरे में ला सकती है और आसाराम पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लग सकता है। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ धर्माचार्य वैभव नाथ शर्मा जी हैं, वकील राखी दुबे हैं, भोपाल से आसाराम के समर्थक दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अहमदाबाद से शांति भाई वघेला हैं, जिनके बेटे की 2008 में आसाराम के आश्रम में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। हम इन खास मेहमानों से बात करें, उससे पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। क्या आसाराम सेक्स रैकेट चलाते थे? क्या आसाराम के आश्रम में मनोरंजन के लिए लड़कियां लाई जाती थी? क्या आसाराम के आश्रम में सेक्स गुलाम रखे जाते थे? क्या सेक्स के लिए आसाराम ताकत का इस्तेमाल करते थे? क्या आसाराम सेक्स रैकेट के लिए लड़कियों का अपहरण कराते थे? क्या सेक्स के लिए धोखे से लड़कियां आश्रम में लाई जाती थी? क्या पैसे का लालच देकर आसाराम महिलाओं को सेक्स के दलदल में ढकेलते थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब जोधपुर पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पुलिस की चार्जशीट में आसाराम पर सेक्स के लिए लड़कियों को गुलाम बनाने का आरोप लग सकता है। जोधपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक आसाराम के खिलाफ चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 भी हो सकती है। ये धारा बेहद बड़ी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में है क्या, ये जान लीजिए। इस धारा के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती कर शोषण करना, उसे धमकी देना, बल प्रयोग कर मजबूर करना, धोखे से ट्रैफिकिंग करना, बहला फुसला के या फिर गुमराह कर गुलाम बनाकर रखना, पैसे का लालच देकर शोषण करना, इस धारा के मुताबिक अगर आरोपी दोषी साबित हो तो 7 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति का धोखे से, दबाव से, अन्य यंत्रणाओं से अगर ट्रैफिक करता है, ट्रैफिकिंग कॉज करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है अपराध कारित करने के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस कारित करने के लिए, तो वो धारा 370 IPC में पनिशेबल है, जिसके अंतर्गत 5 साल से लेकर 10 साल तक सजा का प्रावधान है। जोधपुर पुलिस इस धारा के लगाने के पीछे सीक्वेंस ऑफ इवेंट और जो कुछ हुआ उसे मानकर चल रही है। जिन चीजों का जिक्र इस धारा में किया गया है, वैसे ही कुछ रेप पीड़िता मामले में भी हुआ। आरोप है कि आसाराम की करीबी शिल्पी धोखे से लड़कियों को आश्रम में लाती थी। 15 अगस्त की रात को भी उसने लड़की को इलाज का बहाना बनाकर धोखे से आसाराम के पास भेजा और जो महिला या लड़की शोषण का शिकार होती थी उसे मुंह न खोलने की धमकी भी दी जाती थी। धारा 370 में धमकी का जिक्र है। कुछ साधिकाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन आश्रम में रखा जाता था, यानी बल प्रयोग किया जाता था, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, वो सब कुछ होता था जो धारा 370 कहती है। यानी अगर यह धारा लगी और गुनाह साबित हुआ तो आसाराम की मुश्किल और बढ़ जाएंगी। आज आसाराम के खिलाफ जोधपुर पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली थी, लेकिन आज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा थी, इस वजह से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। सिर्फ आसाराम ही नहीं बल्कि आसाराम के 4 सहयोगियों के खिलाफ 370 की धारा लगाई जा सकती है। शिवा आसाराम की बाहरी दुनिया से लेकर शांति कुटिया तक का रास्ता, शिल्पी छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन जिस पर पहले से ही लड़कियों को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है, संचालक शरदचंद और रसोईया प्रकाश। आज जोधपुर कोर्ट ने आसाराम के अलावा उनके इन चार चेलों की भी न्यायिक हिरासत 6 नवंबर तक बढ़ा दी। आसाराम पर पहले ही हत्या, रेप, अबॉर्शन का आरोप लगा हुआ है और अब सबसे गंभीर आरोप की बात कही जा रही है, यानी सेक्स रैकेट का आरोप। संगीता प्रणवेंद्र के साथ जोधपुर से राजेश की रिपोर्ट। तो आसाराम पर धारा 370 भी लगाई जा सकती है। हमारे साथ वकील राखी दुबे हैं। राखी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, 370 के बारे में हमने इस पैकेज में तो देख लिया कि क्या होती है, लेकिन इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ये धारा लगती है तो आसाराम की मुश्किल निश्चित तौर पर बढ़ेगी। या बिल्कुल सही कह रही है, अगर ये लगती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए ही नहीं, उनके साथ जो और भी एक्यूज हैं उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं इसमें कहना चाहूँगी कि अगर ट्रैफिकिंग में, अगर किसी माइनर की ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसे मिनिमम सेंटेंस जो है 10 ईयर्स है एंड अप टू लाइफ उसमें सज़ा हो सकती है। एंड अगर एक से ज़्यादा ओकेजन में ट्रैफिकिंग हो रही है तो इन दैट केस उस एक्यूज की जो उसको ना फिर लाइफ सेंटेंस मिलेगी, विच मीन्स एक्चुअल लाइफ, अपनी नेचुरल डेथ तक उसको जेल में ही सज़ा का पूरा
अपने एक से ज्यादा ओकेजन में अगर ट्रैफिकिंग की कॉन्विक्शन हो रही है तो उसकी पूरी रेस्ट ऑफ जिंदगी इसको अपनी जेल में ही काटनी पड़ेगी नेचुरल डेथ तक। इसमें ये अभी ये सारे अमेंडमेंट्स, ये लेटेस्ट अभी जो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं क्रिमिनल लॉ में अगामनी केस के बाद, उसमें ये इंप्लीमेंट हुए हैं। एंड इसके इसमें जैसा मैं आपके जो मालूम चल रहा है तो आगे आशाराम के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वैभवनाथ जी एक धर्माचार्य होने के नाते क्या कहेंगे इस तरह की इतनी जो गंभीर धाराएं लगाने की अब जो बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, बहुत ज्यादा हृदय विदारक घटना है। मैं कहता हूं उनके सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए जिनकी सबसे ज्यादा आस्था अपने गुरुओं में जुड़ी होती है। आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति अब अपने गुरु के पास, गुरु का स्थान हमारे धर्म में, हमारी मान्यता में, हमारे संस्कार में सबसे ज्यादा है। ये सारे प्रकरण हो जाने के बाद कोई भी आम व्यक्ति अपने गुरु को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। और जिस तरीके के साक्ष्य हमको मिलते हैं, आप देखिए बहुत आसानी से ये सारी बातें उस तरफ रुझान देती हैं कि इस तरीके के कृत्य इनके आश्रम में हुआ करते थे। गुरुकुल के नाम पर ये अपने यहां स्कूल चलाते थे, बच्चियों को बुला करके 15 साल 17 साल की लड़कियां इनके आश्रमों में रहा करती थी गुरुकुल के नाम पर। उनका बिल्कुल यानी कि विश्वास करना गुरुओं पर अब आगे मुश्किल हो जाएगा। दुर्गेश केशवानी जी समर्थक हैं ये। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे आप ऐसी बातें सुनने के बाद? धारा 370 भी लग सकता है। श्वेता जी, जिस दिन बापू पर ये आरोप लगे थे उसी दिन ये तय हम लोगों ने कर लिया था कि बापू को बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रही बात आस्था की, रही बात विश्वास की, तो बापू पर आज भी उनके भक्तों का वही विश्वास है, वही श्रद्धा है। ये जरूर है कि सच परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं होगा, ये हम लोगों को विश्वास है जी। दुर्गेश जी, आपके आश्रमों में 20 लड़कियों ने आत्महत्या की है। मैं ये पर्याप्त साक्ष्य है आपको ये बता दूं, मेरे दबाव डाला गया, मेरे आश्रम नहीं इस तरीके के जिस्म फरोशी के आश्रम नहीं है वैभव नाथ जी, किया गया आपके गुरु जी जिस परिस्थिति में जो उन्होंने बातें कबूल की, पहले आश्रम में उन्होंने की है, अगले 3 दिनों में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। एक कर अपनी बात रखें तो हम सुन पाएंगे आप लोगों को। भावनाओं के बारे में बात न करें। शांति भाई वगैरह हमारे साथ है। वगैरह जी अब जो बातें सामने आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? सेक्स रैकेट चलाए जाने का भी आरोप लग सकता है आसाराम पर। देखिए, ये तो बहुत कई सालों से चल रहा था, ये बिल्कुल बात पक्की है, हमारे भी सुनने में आया था। ओ भाई, ओ जो दुर्गेश जी बोल रहे हैं, पहले किसी की बात को सुना जाए, बाद में अपनी बात रखी जाए। पहले तो वो भाई को बोल दीजिए कि पहले किसी की बात को सुना जाए, अगर आप बीच में बोलोगे तो सही बात किसी को रखने की समय नहीं मिलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सेक्स रैकेट कई सालों से चल रहा था। जब आसाराम ये बोल रहा था, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, जब ये सेक्स रैकेट कई सालों से चल रहा था, सच को आंच नहीं झूठ को पैर नहीं, अब सच सामने आ गया, झूठ आसाराम का खुल गया है, लोगों को पता चल चुका है कि आसाराम क्या है। अभी सच को आंच नहीं झूठ को पैर नहीं, कई मामले सामने आ गए हैं और मुसीबतें आसाराम पे कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब जो नई नई धाराएं जुड़ने की बात और सामने लगने की बात आ रही है, कितनी मुश्किलें और बढ़ा सकती है आसाराम की, ये हम जानेंगे राखी दुबे से।